हाय डियर फ्रेंड, हम ये NCERT 9th क्लास का 12th चैप्टर साउंड हम पढ़ रहे हैं और ये आई थिंक थर्ड वीडियो है, पार्ट 3 का वीडियो हम देख रहे हैं जिसमें हम पढ़ने वाले हैं स्पीड ऑफ साउंड इन वेरियस मीडियम। तो देखिए क्या क्या है। पहला पॉइंट अगर देखेंगे तो स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल थ्रू विच इट ट्रेवल। इट इज़ ए स्लोवेस्ट इन गैस, ध्यान देना, फास्टर इन लिक्विड, और फास्टेस्ट जो होता है सॉलिड में होता है। ये ध्यान देना कि इसकी स्पीड जो होती है सॉलिड में सबसे ज़्यादा होती है। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या दिया हुआ है, स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेज विद द राइज ऑफ टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर अगर राइज किया जाए तो इस साउंड की स्पीड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। मतलब गर्मी के समय में देखा जाएगा तो अगर साउंड की जो स्पीड है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है गर्मी के समय, क्योंकि टेम्परेचर राइज होता है। स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेज एज ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इंक्रीज होता है, तब भी साउंड की स्पीड क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। देखिए ह्यूमिडिटी ऑफ एयर एयर में ह्यूमिडिटी का इंक्रीज होना, इट इज ऑल्सो, क्योंकि देखो अगर टेम्परेचर की उस तरफ बात किया जाए, यहाँ पे ह्यूमिडिटी की बात किया जा रहा है, तो वहाँ टेम्परेचर बढ़ने का मतलब हुआ एक तरह से कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है कोई भी वस्तु का तो उसमें स्पीड बढ़ेगी। और दूसरा ह्यूमिडिटी का बढ़ना मतलब अगर देखो एयर में ह्यूमिडिटी बढ़ रही है मतलब वो क्या हो रहा है, गैसियस से लिक्विड की तरफ कन्वर्ट हो रहा है, और लिक्विड में क्या हो जाता है, गैस के कंपेरिजन में ज़्यादा स्पीड पकड़ता है स्पीड। तो ये पॉइंट ध्यान में रखना। फिर स्पीड ऑफ लाइट इज फास्टर दैन स्पीड ऑफ साउंड, ये पॉइंट भी ध्यान रखना कि स्पीड ऑफ साउंड से भी ज़्यादा स्पीड है स्पीड ऑफ लाइट का। इन एयर स्पीड ऑफ साउंड, देखो एयर में उसका स्पीड क्या होगा, 344 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अगर 22 डिग्री सेल्सियस हो तो उसकी स्पीड कितनी है साउंड की, 344 मीटर पर सेकेंड। फिर आगे हम देख लेते हैं सोनिक बूम क्या है। सोनिक बूम के बारे में देखेंगे, सम एयरक्राफ्ट बुलेट्स रॉकेट्स हैव सुपरसोनिक स्पीड, उसकी स्पीड क्या होती है, सुपरसोनिक होती है। सुपरसोनिक रेफर टू स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच इज ग्रेटर दैन द स्पीड ऑफ साउंड, इट प्रोड्यूस एक्सट्रीमली लाउड साउंड वेव कॉल्ड शॉक वेव्स इन एयर। शॉक वेव्स इन एयर होता है। सोनिक बूम इज एन एक्सप्लोसिव नॉइज कॉज बाय द शॉक वेव एंड इट एमिट्स ट्रिमेंडस साउंड एनर्जी विच कैन शैटर द ग्लास प्लेन्स ऑफ विंडो, ये पॉइंट ध्यान में रखना। उसके बाद से है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड हम देखने वाले हैं, और रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड में हम क्या देखने वाले हैं, जैसे लाइक लाइट साउंड ऑल्सो बाउंस बैक व्हेन इट फॉल्स ऑन ए हार्ड सरफेस पे बाउंस कराते हैं तो क्या हो जाता है, बैक होता है, इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, उसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन होता है। द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आर ऑब्वियस ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, तो किस किस को फॉलो करता है, जैसे पहला इसको अगर पॉइंट की बात करें, द इंसिडेंट साउंड वेव द रिफ्लेक्टेड साउंड वेव आर एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट लाई इन सेम प्लेन, वो सेम प्लेन में ही होते हैं, एक ही प्लेन की तरफ होता है। और दूसरा अगर बात करें रिफ्लेक्शन का, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इज ऑल्सो इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑफ साउंड, ये पॉइंट ध्यान में रखना है। फिर बाद में रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड में इको देख लेते हैं, इको क्या है, इको पॉइंट को हम जान लेते हैं। द रिपीटेशन ऑफ साउंड कॉज बाय द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव इज कॉल्ड एन इको। रिपीटेशन ऑफ साउंड वेव्स इज कॉल्ड एज ए इको बोला जाता है, रिपीटेशन होता है। तो आगे और क्या क्या पॉइंट इको के बारे में दिया है, वी कैन हियर इको व्हेन देयर इज ए टाइम गैप ऑफ 0.1 सेकेंड इज ओरिजिनल साउंड एंड इको रिफ्लेक्टेड साउंड। इको इज प्रोड्यूस्ड व्हेन साउंड रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ हार्ड सरफेस, जैसे कि ब्रिक वॉल हुआ, माउंटेन हुआ, एज ए सॉफ्ट सरफेस टेंड्स टू ऑब्जर्व साउंड। सॉफ्ट सरफेस क्या होता है कि साउंड को ऑब्जर्व कर लेते हैं और जो हार्ड सरफेस होते हैं वो रिफ्लेक्ट कर देते हैं। वी टू कैलकुलेट द मिनिमम डिस्टेंस टू हियर एन इको, तो क्या होता है मिनिमम उसका, अगर स्पीड की बात करें डिस्टेंस की बात करें तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपन टाइम, एयर स्पीड ऑफ इन एयर में इतना होता है 22 डिग्री सेल्सियस, टाइम 0.1 सेकेंड लिया गया है, तो ये वैल्यू अगर पुट करते हैं तो डिस्टेंस मिनिमम क्या आ जाता है, 34.4 मीटर उसका मिनिमम डिस्टेंस है। सो डिस्टेंस बिटवीन रिफ्लेक्टेड सरफेस एंड ऑडियंस 34.4 / 2 17.2 मीटर होता है, कितना होता है
17.3 डिस्टेंस बिटवीन रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड ऑडियंस, तो वो कितना होता है 17.2 मीटर एट 22 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है रोलिंग ऑफ थंडर इज ड्यू टू मल्टीप्लाई रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड ऑफ थंडर फ्रॉम ए नंबर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस सच एज ए क्लाउड एंड द अर्थ। रिवर्बरेशन देख लेते हैं, रिवर्बरेशन क्या है, रिवर्बरेशन के बारे में हम पढ़ लेते हैं। रिवर्बरेशन होता है द परसिस्टेंस ऑफ साउंड इन अ बिग हॉल ड्यू टू रिपीटेड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड फ्रॉम द वॉल सीलिंग एंड फ्लोर ऑफ द हॉल इज कॉल्ड ए रिवर्बरेशन, रिवर्बरेशन बोलते हैं। द परसिस्टेंस ऑफ साउंड इन अ बिग हॉल ड्यू टू रिपीटेड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड फ्रॉम द वॉल सीलिंग या फ्लोर ऑफ द हॉल इज कॉल्ड रिवर्बरेशन बोलते हैं। इफ इट इज टू लॉन्ग साउंड बिकम ब्लर्ड डिस्टॉर्टेड एंड कन्फ्यूजिंग। मेथड टू रिड्यूस रिवर्बरेशन इन अ बिग हॉल और ऑडिटोरियम, तो उसके लिए क्या मेथड है, तो पैनल्स मेड ऑफ फेल्ट और कंप्रेस फाइबर बोर्ड और पुट ऑन वॉल एंड सीलिंग टू ऑब्जर्व साउंड। हैवी कर्टन्स आर पुट ऑन डोर एंड विंडो, ये प्रोवाइड करें। कारपेट आर पुट ऑन द फ्लोर, कारपेट फ्लोर पे कारपेट रखें। सीट आर मेड ऑफ मटेरियल हैविंग साउंड ऑब्जर्व प्रॉपर्टी, ऐसा मतलब सीट्स जो है वो किसे होना चाहिए, ऐसे मटेरियल से होना चाहिए जो उसकी अब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टीज हो। आगे देख लेते हैं कि इको एंड रिवर्बरेशन में क्या डिफरेंट है। अब इको क्या है, द रिपीटेशन ऑफ साउंड कॉज बाय द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव इज कॉल्ड एज इको। एंड रिवर्बरेशन द परसिस्टेंस ऑफ साउंड इन अ बिग हॉल ड्यू टू रिपीटेड और मल्टीप्लाई रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड फ्रॉम द वॉल्स सीलिंग एंड फ्लोर ऑफ द हॉल इज कॉल्ड रिवर्बरेशन। दूसरा क्या है, इको इज प्रोड्यूस इन अ बिग एम्प्टी हॉल, हेयर इज नो एम्प्टी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, साउंड इज नॉट परसिस्ट। यहाँ पे दूसरा दिया हुआ है, इफ रिवर्बरेशन इज टू लॉन्ग साउंड बिकॉज ब्लर्ड डिस्टॉर्टेड एंड कन्फ्यूजिंग ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ डिफरेंट साउंड। एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशन जानना, क्योंकि हम कहाँ पे इसको देख सकते हैं, कहाँ पे इसका यूटिलाइज हो रहा है, अगर ये नहीं पता होगा तो फिर कैसे हम इसको जान के भी क्या करेंगे। तो एप्लीकेशन क्या हुआ है, देखो मेगाफोन है, लाउड स्पीकर, बल्ब, हॉर्न और ट्रम्प्स, सेनाई ईटीसी, या डिजाइन टू सेंड साउंड इन पर्टिकुलर डायरेक्शन विदाउट स्प्रेडिंग ऑल राउंड ऑल अराउंड। ऑल दीज इंस्ट्रूमेंट हैव फ्यूनल ट्यूब विच रिफ्लेक्ट साउंड वेव रिपीटेडली टूअर्ड्स ऑडियंस। इन दिस एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव एड्स अप टू इंक्रीज लाउडनेस ऑफ साउंड ऑन। ये सब हम उसके बाद से स्टेथोस्कोप का अगर मैं बात करूँ, तो इट इज़ अ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर लिसनिंग द साउंड्स प्रोड्यूस इन ह्यूमन बॉडी मेनली इन हार्ट एंड लंग्स। द साउंड ऑफ द हार्ट बीट रीचेज द डॉक्टर्स ईयर्स बाय द मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड वेव्स इन द रबर ट्यूब ऑफ स्टेथोस्कोप। अगर साउंड बोर्ड की बात मैं करूँ, तो इन बिग हॉल और ऑडिटोरियम साउंड इज ऑब्जॉर्ब बाय वॉल सीलिंग सिटी, सो कर्व बोर्ड जिसको साउंड बोर्ड इज प्लेस बिहाइंड द स्पीकर सो डैट हिज स्पीच कैन बी हियर इजली बाई ऑडियंस। द साउंड बोर्ड वर्क्स ऑन द रिफ्लेक्टेड ऑफ बोर्ड, ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा। फिर फोर देखिए, द सीलिंग ऑफ कंसर्ट हॉल आर मेड कर्व सो डैट साउंड आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम सीलिंग रीचेस ऑल द पार्ट ऑफ द हॉल। फिर आ जाता है रेंज ऑफ हियरिंग, रेंज ऑफ हियरिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसको समझना कि रेंज ऑफ हियरिंग क्या है। तो रेंज ऑफ हियरिंग अगर ह्यूमन की बात करें तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होता है, 20 से 20,000 हर्ट्ज ह्यूमन ईयर जो ह्यूमन को सुनने के लिए जो रेंज होना चाहिए वो क्या है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज है। चिल्ड्रंस ईयर यंगर दैन 5 ईयर, मतलब 5 साल से अगर छोटे बच्चे हैं, एंड डॉग्स कैन हियर अप टू 25 किलो हर्ट्ज, 25 किलो अगर हर्ट्स है तो वो सुन सकते हैं, ध्यान देना 25 किलो हर्ट्स, मतलब 5 साल से छोटे हैं या डॉग्स हैं तो अगर उनका 25 किलो हर्ट्स मतलब 25,000 हर्ट्स तक का वो फ्रीक्वेंसी सुन सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अगर देखा जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 साल से छोटे बच्चे हों चाहे डॉग्स हों, ये 25 किलो हर्ट्ज तक के फ्रीक्वेंसी को वो सुन सकते हैं, ध्यान में रखना। सेकंड इसमें पॉइंट है, द साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी लोअर देन 20 हर्ट्ज
उसको इंफ्रासोनिक बोलते हैं, और 20,000 हर्ट्ज से होता है उसको अल्ट्रासोनिक बोलते हैं। एक पॉइंट ध्यान रखना, अ वाइब्रेटिंग सिंपल पेंडुलम प्रोड्यूस इंफ्रासोनिक साउंड, ध्यान में रखना। रिनोसेरस कम्युनिकेट ईच अदर यूजिंग फ्रिक्वेंसीज एज लो एज 5 हर्ट्ज, इनकी फ्रिक्वेंसी का वॉइस का ये होता था। एलिफेंट एंड वेव्स प्रोड्यूस इंफ्रासोनिक वेव, अर्थक्वेक प्रोड्यूस इंफ्रासोनिक वेव्स बिफोर द शॉक वेव्स विच सम एनिमल्स कैन हियर एंड गेट डिस्टर्ब। द साउंड ऑफ फ्रिक्वेंसी हायर देन 20 kHz आर नोन एज ए अल्ट्रासोनिक वेव्स बोला जाता है उसको, क्या बोलते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स बोलते हैं। डॉग्स परपोइचेस डॉल्फिन बैट्स एंड रेड कैन हियर अल्ट्रासोनिक साउंड, बैट्स एंड रेड कैन प्रोड्यूस अल्ट्रासोनिक साउंड, अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करते हैं। फिर उसके बाद से आगे देख लेते हैं, आगे क्या पॉइंट है, हियरिंग एड। हियरिंग एड क्या है, इट इज़ अ बैटरी ऑपरेटेड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। हियरिंग एड क्या है, इट इज़ अ बैटरी ऑपरेटेड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज बाई पर्सन हु आर हार्ड ऑफ हियरिंग। माइक्रोफोन कन्वर्ट साउंड इंटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल दैन दोज आर एम्पलीफाइड बाई एम्पलीफायर, एम्पलीफाइड सिग्नल आर सेंड टू स्पीकर ऑफ हियर एड, द स्पीकर कन्वर्ट्स द एम्पलीफाइड सिग्नल टू साउंड एंड सेंड टू हियर फॉर क्लियर हियरिंग। फिर एप्लीकेशंस क्या है अल्ट्रासोनिक साउंड का, अल्ट्रासोनिक साउंड का एप्लीकेशन क्या है वो देख लेते हैं। तो इट इज़ यूज टू डिटेक्ट क्रैक्स इन मेटल ब्लॉक, इसका किसका में यूज किया जाता है, इट इज डिटेक्ट क्रैक इन मेटल ब्लॉक इन इंडस्ट्री विदाउट डैमेजिंग देम, डैमेजिंग देम। इट इज़ यूज इन इंडस्ट्री टू क्लीन हार्ड टू रीच पार्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट सच एज स्पायरल ट्यूब और शेप मशीन। नेक्स्ट थर्ड देखेंगे, इट इज़ यूज टू इन्वेस्टिगेट द इंटरनल ऑर्गन ह्यूमन बॉडी सच एज ए लीवर गाल ब्लैडर किडनी यूटरस एंड हार्ट। एंड फोर्थ इकोकार्डियोग्राफी, ये क्या लिखे थे, दीज वेव्स आर यूज टू रिफ्लेक्ट द एक्शन ऑफ हार्ट एंड इट्स इमेजेस आर फॉर्म, दिस टेक्निक इज कॉल्ड एज इकोकार्डियोग्राफी बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, इकोकार्डियोग्राफी। फिर बोलते हैं अल्ट्रासोनिकग्राफी बोलते हैं, इको कार्डियोग्राफी देख लिया, अल्ट्रासोनिक कार्डियोग्राफी क्या होता है, द टेक्निक ऑब्टेंड पिक्चर ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, मतलब इंटरनल ऑर्गन का पिक्चर्स अगर निकालना है तो बाई ऑफ द बॉडी बाई यूजिंग इकोज ऑफ अल्ट्रासाउंड वेव इज कॉल्ड एज अल्ट्रासोनोग्राफी, अल्ट्रासोनोग्राफी को बोला जाता है। ठीक है, आगे पॉइंट देख लेते हैं और क्या अल्ट्रासोनिक के लिए, अल्ट्रासोनिक इज यूज टू स्प्लिट टीनी स्टोन इन किडनी इनटू फाइन ग्रेन, ये पॉइंट भी ध्यान देना है। ठीक है, फिर उसके बाद से सोनार हम देखेंगे, सोनार और सोनार वाला पॉइंट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, अभी तक हमने ये वीडियो देखा, इसके नेक्स्ट वीडियो में हम सोनार से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप ये ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें अपने फ्रेंड को, अपने दोस्त को, अपने मित्र को, कि वो भी इसका बेनिफिट ले सकें। तो आप देखते रहिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।